चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारी आज की और कल की जो क्लास रहेगी वो इंटरनल सिक्योरिटी पे रहेगी, है ना। मेंस के सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अभी 15 सितंबर तक मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, जो प्योर मेंस का है, जो जनरली प्रीलिम्स में सिलेबस के तौर पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यूपीएससी और एमपीपीएससी का देखोगे आप मेंस वाला, तो मेंस वाले हिस्से में थोड़ी सी रटाई लगती है, रटना पड़ता है चीज़ें। जितनी ज़्यादा रटते हैं उतना ज़्यादा फायदा होता है। तो आप नोट्स बना करके अगर आप रट लोगे तो काफ़ी हद तक लिख पाओगे, 80% तक लिख पाओगे, और 80% आपने लिख दिया तो फिर काम हो जाएगा, आपका मार्क्स मिल जाएंगे। तो रटी हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, क्योंकि मन मर्जी का जो आंसर होता है वो फिर मॉडल आंसर से अलग हो जाता है, उनके मॉडल आंसर से दूर चला जाएगा, और क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आते हैं, है ना। सिलेबस को ही फॉलो करते हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो आप अगर सिलेबस को अच्छे से नोट्स बनाया है आपने मेंस का, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, आईएएस बनना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो लायक आदमी भी आईएएस नहीं बन पाता, पीछे की कोई नौकरी मिलती है या केवल इंटरव्यू दे पाता है, तो ये फ़ायदा है। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी का बना लीजिएगा, 50 नंबर का वेटेज है, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चंस आते हैं थर्ड पेपर में, और 50 नंबर उसका है, 250 में से 50 नंबर का हिस्सा मैं 2 दिन में कम्प्लीट कराऊँगा, ठीक है ना। आपको होमवर्क दूंगा, आप होमवर्क करिएगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो मैं बता दूंगा, कि कौन कौन से पॉइंट्स का नोट्स बनाना है, समझा दूंगा कि वो है क्या सिलेबस। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है, 50 नंबर बहुत बड़ी बात है, 250 में से 50 नंबर, और हम 2 ही दिन में कवर करेंगे। तो आप भी पूरे सप्ताह जो है इसका होमवर्क करिएगा, अगली बार मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर आपको बताऊँगा, तो वो उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो आज की हमारी चर्चा होगी इंटरनल सिक्योरिटी, आज और कल की। इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस ऐसा है कि थोड़ा सा सिलेबस में देखिए कमियां होती, कई बार सिलेबस बनाने वाले है ना कुछ शब्दों को इस टाइप से लिख देते हैं, लेकिन मैं उनको भी सुधार करके आपको बताऊंगा। पहला है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, ये पहला लाइन है सिलेबस का। यानी कि जो डेवलपमेंट होते हैं, विकास होता है, और जो एक्सट्रीमिज्म है, अतिवाद है, जैसे कि नक्सलिज्म है या और तमाम चीज़ें, उन दोनों के बीच में लिंकेजेस। तो यहाँ सिलेबस में होना चाहिए था अंडर डेवलपमेंट, यानी जहाँ विकास नहीं हुआ वहाँ पर आतंकवाद उभरा है ना एक तरह से, या फिर अतिवाद आया, नक्सलिज्म आया, क्योंकि विकास नहीं हो पाया, तो उसको उन्होंने विकास के साथ जोड़ा हुआ है। तो कुल मिला के वो पहले ही एक तरह से पूर्वाग्रह है, सिलेबस बनाने वाले के अंदर पहले ही पूर्वाग्रह है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं ये विकास के खिलाफ हैं एक तरह से, वो मान के ही चल रहा है। जबकि दूसरे जो लिबरल अप्रोच वाले जो लोग होते हैं, वो उनका मानना ये होता है कि चूँकि वहाँ विकास नहीं हो पाया, इस वजह से वहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मतलब जैसे नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसे एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो पहली लाइन ये हो गई और पहला टॉपिक यही हमारा रहेगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी वाला ये प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर हम दोनों मुद्दे देखेंगे, डेवलपमेंट क्या है और एक्सट्रीमिज्म क्या है, और तरह तरह के एक्सट्रीमिज्म कैसे होते हैं। फिर दूसरा आता है कि खतरे जो होते हैं किसी भी देश में इंटरनल सिक्योरिटी को, वो किन किन चीज़ों से होते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडियम जितने भी होते हैं, कम्युनिकेशन के तरीके, संचार के तरीके, उसमें मीडिया है, सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया है ना, और भी नेटवर्किंग साइट्स हैं, और जो चीज़ें हैं समाचार के जितने भी माध्यम हैं,
वो खतरा पैदा करते हैं, कई बार उनकी वजह से ही खतरा होता है, क्योंकि वही ऐसा माहौल बना देते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती है। कर्फ्यू लगाना पड़ता, तभी तो नेट बंद करते हैं ना, इंटरनेट शट डाउन वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे आतंक फैलता है, कई बार खतरा पैदा होता है इंटरनल सिक्योरिटी को। तो एक ये चीज़ है। फिर एक मुद्दा ये आता है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आती है। आखिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो आतंकवाद के लिए काम करते हैं, नक्सलवाद के लिए काम करते हैं, उनको पैसा कौन देता है? तो ऑर्गेनाइज क्राइम खतरा, ऑर्गेनाइज क्राइम यानी संगठित क्षेत्र के अपराध, और मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो धन शोधन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है ना, तो ये टेररिज्म से इनका क्या संबंध है, नक्सलिज्म से क्या संबंध है, ये हम लोग सारी चर्चा देखेंगे। देन आएगा बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी। तो पूरे देश की जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या क्या तरीके हैं, हमारे पास कौन सी फोर्सेज हैं, उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, वो सब हमारा सिलेबस है। और बॉर्डर सिक्योरिटी लैंड बॉर्डर एंड मैरीटाइम बॉर्डर, तो एक तो समुद्री सीमा है हमारी, समुद्र वाली, और दूसरी लैंड बॉर्डर है, तो दोनों किसके साथ है, वहाँ की सुरक्षा के क्या तरीके हैं, कौन, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये मुख्य सिलेबस है, ये इम्पॉर्टेंट सिलेबस है। तो मेरा लेक्चर बॉर्डर वाला तो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो आपने बॉर्डर वाला देखा ही होगा, लगभग वैसा ही वो सैंपल जो मैंने एक वीडियो डाला था वैसा ही आपको सारा पूरा तैयार करना है, ठीक है ना। तो बॉर्डर वाला है, और ये सब जो है, अब इसका ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि इनकी सरकार की कितनी तैयारी है, क्या क्या योजनाएं चल रही है गवर्नमेंट के लेवल पे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, यानी इसका इतिहास क्या है, ये समस्याएं कब से पैदा हुई है ना। जैसे मणिपुर वाली प्रॉब्लम है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के सारे प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक टॉपिक है उसका, तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में आएगा। कश्मीर एक टॉपिक है ना, कश्मीर में मिलिटेंसी, पंजाब में मिलिटेंसी रही है किसी समय में, तो पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी वाला मामला है ये, ठीक है ना। तो करें, शुरू करें हम लोग, चलिए पहला वाला टॉपिक डेवलपमेंट और इसका लिंकेज एक्सट्रीमिज्म के लिए। तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट क्या क्या होता है, तो विकास की परिभाषा, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट कई तरह का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, सारी चीज़ें डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन सिंपल है, डेवलपमेंट यानी कि जो कुछ भी ह्यूमन बीइंग के लिए, सिटीजन्स के लिए, उनकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो डेवलपमेंट है। उनकी ज़िंदगी को सुगम बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, एक अच्छी लाइफ देने के लिए, गुड लाइफ है ना, हेल्दी लाइफ देने के लिए जो कुछ भी गवर्नमेंट करती है वो क्या है, एक तरह से डेवलपमेंट है। तो एक विशेष साइकिल होता है कि अगर अंडर डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पर लोग बहुत आसानी से चक्कर में आ जाएंगे, देखो आपका एरिया तो विकसित नहीं है, दूसरे लोग कितने विकसित हो गए, डेवलप्ड हो गए, आप लोग कितने अविकसित हो गए, देखो सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो एकदम से ऐसा ग्रुप बना लेंगे, उसी को बोलेंगे एक्सट्रीमिज्म। अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्या होता है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता, एक्सट्रीमिस्ट होता, एक्सट्रीम होता, एक्सट्रीम से एक्सट्रीमिस्ट बना, एक्सट्रीम एकदम ही एक्सट्रीम, यानी कि सामान्य से बिल्कुल अलग। नॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है, नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या सरकार से अगर कोई शिकायत है तो आप पत्र लिखते हो, बातचीत करते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बंदूक उठाई जाती है, गोली मार दी जाती है, शिकायत होने पर गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम है, इसलिए वो एक्सट्रीमिस्ट है। वॉयलेंस, इसमें वॉयलेंस आ जाता है, हिंसा का सहारा लेता है। तो ये आया कहाँ से, इसकी ग्रोथ कहाँ से हुई, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेकंड, आपको जाना पड़ेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आसपास। आप देखोगे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, फ्यूडल लॉर्ड के अगेंस्ट जो है आप देखोगे कि सबसे बड़ा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में समानता की बात कही गई थी, है ना। उसी के आसपास आप देखोगे कार्ल मार्क्स को, सबसे पहले कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पहला वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि पूंजीपति जो हैं वो एक तरह से गरीबों के पैसे पे पल रहे हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वो बताता था लोगों को। उस जमाने में उन्होंने बताया, खास करके यूरोप में बताया। यूरोप में बताना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूरोप में कैपिटलिज्म आ गया था पूरी तरह से, चारों तरफ उसको मान्यता थी। ऐसे में एक आदमी उठ खड़ा हुआ कि देखो, पूंजीपति आदमी ने पैसा लगाया, अच्छी बात है, मशीन खरीदी, अच्छी बात है, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ, जैसे 1000 रुपये की मशीन है, 1000 के मजदूर, 1-1 रुपया मजदूर को दे दिया, 1000 मजदूरों ने काम किया, 1000 की मशीन है, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपया। मतलब 10,000 रुपया टोटल इनकम हो गई, उसमें से 1000 की मशीन का खर्चा निकाल लो, 1000 रुपया आपने मजदूरों को बांट दिया वो निकाल लो, तो 8,000 रुपया अकेला उस आदमी ने अपने पास रख लिया जिसकी मशीन थी। तो इसी को बोला उन्होंने अतिरिक्त मूल्य, एक्स्ट्रा वैल्यू। ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है 8,000, इससे तो असमानता आएगी, क्योंकि एक आदमी के पास 8,000 है, बाकी 1,000 लोगों के पास 1-1 रुपया है। दरअसल इसमें से काफ़ी पैसा वापस मजदूरों के पास जाना चाहिए, इसलिए वो कार्ल मार्क्स बोलता था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और हड़ताल, पहली बार कार्ल मार्क्स की जो है उसको फॉलो करने वाले लोगों ने हड़ताल शुरू की कि हम ऐसे 1 रुपये में काम नहीं करेंगे, हमारा वेतन बढ़ाओ, है ना, समझ। तो ये चीज़ें जो आप समझोगे ना यहीं से, पर कार्ल मार्क्स ने कभी भी उस तरह की हिंसा की बात नहीं की थी। उसने कहा आपको अधिकार मांगना है, हड़ताल करनी है, मजबूर करना है उसको कि वो आपका हक दे। रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ था, तब रशिया में व्लादिमीर लेनिन, लेनिनिज्म जिसको कहते हैं हम, लेनिनवाद, तो लेनिन ने जो है उसको थोड़ा सा कहा कि नहीं ऐसे कैसे, हम तो सब कुछ सरकारी कर देंगे, साम्यवाद, कम्युनिस्ट। तो वो जो मार्क्सिज्म था, मार्क्सवादी जो था, वो किस में बदल गया, लेनिनवाद में बदल गया। लेनिनिज्म वो थोड़ा सख्त था, मार्क्स से थोड़ा आगे था। कार्ल मार्क्स जिस तरह से एक तरह से सब लोगों को आह्वान कर रहा था, कार्ल मार्क्स बोल रहा था कि आप आइए और अपना हक मांगिए, उकसा रहा था हक मांगने के लिए, लेनिन उससे आगे, हक आपको मिल चुका है, गवर्नमेंट ये सब डिसाइड करेगी और देखा जाए तो अब जार की ये जो सत्ता है ये जाएगी, तो वही बोल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है। और उसमें आप जानते हो कि जीत हो गई उनकी, लेनिन की। और रशियन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये रहा कि वहाँ डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते, लेकिन साम्यवादी सरकार बनी, कम्युनिस्ट सरकार बनी, और उसने सब लोगों को उनके अधिकार, वाजिब अधिकार देने की कोशिश की। उससे ज़्यादा खतरनाक स्वरूप जो आया वो चीन में, पड़ोस में चीन में माओ ज़ेदोंग, माओ ज़ेदुंग जो थे, उन्होंने तो सीधा ही लिख दिया कि जो समानता आती है, बराबरी आती है और अधिकार मिलते हैं, वो बंदूक की नली से निकलते हैं, ठीक है ना, बैरल ऑफ गन। तो उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि बैरल ऑफ गन के बिना बराबरी नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी अपने पैसे का अधिकार छोड़ेगा नहीं, इसलिए जिसके पास भी ज़्यादा है उसको गोली मारो और सब कुछ लूट के बराबर कर लो, बात खत्म। रॉबिनहुड तो बराबरी का एक ही सिद्धांत है, उसको बोलते हैं माओइज्म, माओवाद, माओइज्म, क्लियर। तो ये एक्सट्रीमिज्म कहाँ से आया, बात समझ में आई। तो चाइना का वो जो एक्सट्रीमिज्म है वो नेपाल आया, और नेपाल होते हुए जब वो भारत में, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में, तो दार्जिलिंग के पास में जो वेस्ट बंगाल में जो नक्सलबाड़ी गांव था, वहां पर चारू मजूमदार ने सबसे पहले 1963 के आसपास इसकी शुरुआत की थी। उस गांव में वही सामंती व्यवस्था थी, गांव के सारे लोग मजदूर थे, एक ही हवेली थी, एक ही आदमी था जिसके पास सारा पैसा था, और वो शोषण भी बहुत करता था। उसने उकसाया लोगों को और उसने उन लोगों की हत्या कर दी और संसाधनों पे कब्जा हो गया। यहाँ से
उस माओवाद को नक्सलवाद कहा जाता है, इसलिए हम उनको माओवादी भी कहते हैं, नक्सलवादी भी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है कई बार। तो चारू मजुमदार के दो और साथी थे बाद में, और धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, तो आप जानते ही हो CPI पहले से थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने नाम रखा मार्क्सवादी लेनिनिस्ट, मार्क्सिज्म लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी, ML, CPI ML पार्टी का नाम रखा उन्होंने CPI ML, जिसमें मार्क्स भी ले लिया, लेनिन भी ले लिया, माओ का नाम नहीं लिया, लेकिन तरीका माओ का था, तरीका जो था वो माओ का था, नाम रखा मार्क्स का और लेनिन का, ठीक है। ऐसे नक्सलवाद की शुरुआत हुई, फिर बाद में वो आंध्र प्रदेश तक फैल गया, उधर बिल्कुल आखिरी तक रेड कॉरिडोर। तो ये कहलाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग, LWE नाम से UPSC क्वेश्चन में डालेगा, LWE, तो LWE का मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अभी लेफ्ट विंग भी वहीं फ्रांस से आया, लेफ्ट साइड में बैठते थे सरकार का विरोध करने वाले, सरकार का विरोध करने वाले पार्लियामेंट में एक तरह से लेफ्ट साइड में बैठते थे, इसलिए उनको लेफ्ट कहा गया। एक राइटिस्ट थे, एक लेफ्टिस्ट थे, जो राइट में बैठते थे वो सत्ताधारी, ठीक है, सत्ताधारी राइट में बैठते थे तो राइटिस्ट हुए, वो लेफ्टिस्ट हो गए, विरोध करने वाले लेफ्टिस्ट हो, तो हमेशा विरोध करने वाले, सत्ता का विरोध करने वाले लेफ्टिस्ट, इसलिए उसको लेफ्ट विंग बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट विंग में तो कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी भी है, CPI और भी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भी मिल जाएगी, लेकिन ये जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है, भाकपा माले, यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी, यानी ML जो बोलते हैं, CPI ML। बाद में उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर चारू मजुमदार की जो है वो कस्टडी में मौत भी हो गई, पुलिस कस्टडी में डेथ भी हो गई, तो अब क्या हुआ होगा आपको पता ही है, ठीक है ना, उसका विकास दुबे हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो भी है ये सब चीज़ें रही, इन सब का नतीजा ये रहा कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये छत्तीसगढ़, और आप अभी भी देखते हो कि अभी भी नक्सली हमले होते रहते हैं और वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हम उसमें चलेंगे, उससे पहले ये पूरा डेवलपमेंट जो है इसको लिखना आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, इसको चाहे फ्लो चार्ट में बना के लिखो, चाहे परिभाषा बना के लिखो, आपको एक एक को डिस्क्राइब करना आना चाहिए, ठीक है ना, ये परीक्षा में लिखना पड़ेगा, मेंस में, मेंस का टॉपिक है, और हर साल एक क्वेश्चन आता है, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका सिलेबस, तो क्या कारण है, फिर लोगों ने जो है सिलेबस जो बनाया खास करके, उसका उद्देश्य था कि डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर डेवलपमेंट होगा तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स इसी बात पर डिपेंड करती है कि यहाँ विकास नहीं है। तो दो चीजें, वो अंडा और मुर्गी जैसा है, कौन पहले, विकास हो जाएगा तो फिर नक्सलिज्म नहीं रहेगा, तो नक्सलिज्म के रहते रहते विकास हो सकता है क्या, ये झंझट है, क्योंकि नक्सली जो है वो विकास होने ही नहीं देते हैं, आपने पटरी लगाई पटरी उखाड़ देंगे, माइनिंग नहीं होने देंगे, वो खुद इलीगल माइनिंग कर पाते हैं, इलीगल माइनिंग करके वो जो माइनिंग से जो पैसा, वो जो माइन किया हुआ मटेरियल निकलता है उसको बेच देते हैं, बहुत महंगा जाता है, उससे पैसा आता है, उससे हथियार खरीदते हैं, वो उनकी इकोनॉमी है, तो वहां किसी कंपनी को वो प्राइवेटाइजेशन के तौर पर आने ही नहीं देते। चक्रव्यूह मूवी देख लीजिएगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आतंक, ये पूरा नक्सलिज्म का फंडा, और भी बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन अभी फिलहाल में बनी थी 10 साल पहले चक्रव्यूह, भोपाल की शूटिंग है उसमें सारी अधिकांश, और बालाघाट कोई नंदीघाट बोल के उन्होंने, तो तब मध्य प्रदेश में भी बालाघाट तक आतंकवाद नक्सलवाद होता था। इसको आतंकवाद जनरली नहीं बोलते हैं, अभी हम बोलेंगे देखेंगे डिफरेंस क्या है आतंकवाद में और इसमें, फैलाते तो ये भी आतंकी हैं,
क्लियर है ना? एक वो हाँ, एक वोट, एक मूवी और आई थी उसकी चुनाव वाली, नक्सली इलाके में चुनाव होता है और नाम भूल जाता हूँ मैं उसका, न्यूटन, न्यूटन वाली, हाँ न्यूटन मूवी भी देख लीजिए। हाँ तो दो दो जो है आप मूवी आप देख सकते हो इसको समझने के लिए कि नक्सली एरिया में कैसे चीज़ें होती है। बट आपको क्या है कि केवल मुद्दे को ही नहीं समझना है, उसके बाद पूरा पूरा अंजाम तक ले जाना है उसको। यानी ये तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई मैंने बता दिया, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजी। टेररिज्म बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ इकोनॉमिक ज़्यादा माना जाता है इसको, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ज़्यादा माना जाता है। टेररिज्म में कई बार कल्चरल और रिलीजियस और बहुत सारे दूसरे फैक्टर, यहाँ रिलीजन और कल्चर का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, यहाँ इकोनॉमी और पॉलिटिकल ज़्यादा है, ठीक है ना? और दोनों ही पार्टियों के साथ नेक्सस है उनके, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी उनके लोग हैं नक्सली और बीजेपी में भी, दोनों के रिलेशन होते हैं उससे, ठीक है? उसमें सबसे ज़्यादा पिसते हैं हमारे जवान जो उसमें शहीद होते हैं उनके हमलों में, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होता है, जवानों का नुकसान होता है, बाकी ये तो सब मिले हुए हैं सब, ठीक है ना? तो वो तो बहुत बुरी स्थिति है, उससे हम लोग अभी नहीं जाते। क्लियर हो रहा है? तो ये यहाँ तक पढ़िएगा, तो ये विशेष साइकिल हो जाएगा, एक दुष्चक्र है, क्योंकि वो डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, नक्सलवाद बढ़ता रहेगा। अब नक्सलवाद कम करने की कोशिश करेंगे तो दरअसल क्या है कि दो तरह के विचारक हैं, दो तरह के थिंकर हैं, सलाह देने वाले दो तरह के सरकार को। एक बोलते हैं कि आप सीधा गोली से बात करो और इनको निपटाओ, खत्म करो, नक्सलवादियों को खत्म करो। दूसरे लोग बोलते हैं नहीं, विकास करिए, नक्सलवादी अपने आप खत्म हो जाएंगे, आप तो विकास कर लीजिए, ठीक है ना? वो वैसा हुआ कि कोरोना हुआ तो मरीज को गोली मार दो, अब ये कहीं घूमेगा नहीं तो फैलाएगा नहीं। एक है कि नहीं, वैक्सीन लगाओ और कोरोना की, कोरोना को खत्म करो, वायरस को खत्म करना, आदमी को नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो दो तरह के विचार हैं, तो दोनों तरह के विचारों को आप लिख दीजिएगा, सरकार को दो तरह के सुझाव दिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन एक्सट्रीमिज्म दोनों तरफ है, जो मारना चाहते हैं वो भी एक्सट्रीमिस्ट हैं एक तरह से, क्योंकि वो भी उसको सीधा गोली ही मारना चाहते हैं, और जो समानता लाना चाहते हैं वो भी गोली मार करके ही समानता लेने के लिए, इसलिए दोनों तरफ से मामला खतरनाक है, एक्सट्रीमिज्म दोनों है। बीच का रास्ता होना चाहिए, बातचीत का रास्ता होना चाहिए, डेवलपमेंट का रास्ता होना चाहिए, बस ये है कि वो डेवलपमेंट होने दें, सुविधाओं को पहुंचने दें। मोबाइल टावर लग जाएंगे तो चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है, डीप फॉरेस्ट, घना जंगल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो अब नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये चुनौती है। वाकई में इलिटरेसी, गरीब बहुत हैं, अशिक्षित बहुत हैं लोग, ये चुनौती है। और अशिक्षित होते हैं, गरीब होते हैं तो इलेक्शन में पैसा चल जाता है, तो पैसे में बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है, पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो पुलिस है वहाँ पर फोर्टिफिकेशन करके रहती है, किलाबंदी होती है, यानी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत ऊंचा दरवाज़ा और एक छोटी सी खिड़की होती है जिसको खोल के पुलिस वाले देख करके बात करते हैं, तो पुलिस तो किले में बंद रहती है, बाहर तो निकलने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो उनको नक्सली मार देंगे तो आम जनता का क्या होगा। तो अभी की पुलिस जो है वो, उसका नक्सली इलाके में होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। थाना तो ओपन होना चाहिए ना, जहां आकर के कोई भी शिकायत लिखवा सके, अपनी प्रॉब्लम रख सके। आम लोग भी तो डर जाएंगे कि जब पुलिस इतनी सिक्योरिटी में रहती है तो हम इन नक्सली से कैसे बचेंगे, तो वो तो दोस्त बन के ही रहते हैं, इसलिए गाँव के लोग सपोर्ट करते हैं, हम उनको राशन देते हैं, खाने पीने का देते हैं, खबर देते हैं, पुलिस के खिलाफ एक तरह से मदद करते हैं, सूचनाएं पहुंचाते हैं, तो सब तरह की मदद करते हैं, तो विलेजर्स का फायदा होता है, सिंपैथी मिलती है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले आपको उनको सुरक्षा का एहसास कराना पड़ेगा,
जिस किसी ने भी पुलिस की मदद की उसकी डेड बॉडी मिलती दूसरे दिन, तो फिर कौन मदद करेगा? आपको सुरक्षा देना चाहिए फिर उसको, फिर न्याय देना चाहिए, जस्टिस टाइम पे होना चाहिए। तो सुकमा वाला मैंने बताया था आपको, सुकमा में वो तीन चार लड़कियों के साथ में रेप किया था और वो सब हुआ था, तो तीन चार नहीं बल्कि ज़्यादा थी वो लड़कियाँ। तो उसके बाद जो है वो पुलिस थाने में गई, तो पुलिस थाने में भी रेप हुआ, पुलिस वालों ने भी किया। अभी मणिपुर वाले ने भी, तो पुलिस वालों ने ही सौंपा था उनको, मैतेई समुदाय के लोगों को। तो पुलिस में, पुलिस ने अगर आपको गाड़ी में बिठा लिया तो जो ट्राइबल महिलाएं थी वो सिक्योर महसूस कर रही थी ना कि पुलिस ने हमको पकड़ लिया है और गाड़ी में बिठा रखा है, इसका मतलब है कि हम अब सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस हमारे साथ है। और पुलिस ने ले जाके उनको पकड़ा दिया, दंगाइयों को, कि ये पकड़ो इन लड़कियों को। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो यही चीज़ पुलिस वालों ने की, और जो लोगों ने रेप किया था वो बड़े बड़े नेता बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, तो पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। तो फिर वो नक्सली आए और उन्होंने कहा देखो हमारे पास जनता अदालत है और आइए आपको न्याय दिलाते हैं, आप हमारे पास आओ। उन्होंने जो है फिर उन लड़कियों को गन चलाना सिखाया, उन्होंने कहा एक दिन चलेंगे, उन पुलिस वालों को भी मारेंगे और उन नेताओं को भी मारेंगे, और तुम ही गोली चलाना, तुम्हारे हाथ से चलाना, तुम ही गोली मारना उनको, हम घेर लेंगे, पकड़ लेंगे, फिर तुम गोली मार देना। तो उनसे उन्हीं को गोली मरवा दी, बदला पूरा हो गया उनका, अब वो उनके गैंग की मेंबर बन गई। तो ऐसे करके नक्सली न्याय दिला करके, न्याय का एहसास करा करके, तो ये न्याय हम ही क्यों नहीं दे देते, हमारी जुडिशरी क्यों नहीं दे देती, हमारी पुलिस क्यों नहीं दे देती? तो क्या रिफॉर्म करना पड़ेंगे, बात समझ में आ रही होगी आपको। बहुत तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है, यानी न्याय भी दिलाने की ज़रूरत है, पुलिस को भी अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है, सोसाइटी को भी सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब घटनाएं जब होती है तो उसके बाद उस उपद्रव को संभालना मुश्किल हो जाता है ना, वो दिक्कत हो जाती है। और दुनिया भर में अगर वो अपनी बात कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था इसलिए हमने किया, तो जस्टिफिकेशन भी मिलता है, ठीक है ना। तो इन सबको ठीक करने की ज़रूरत है, तभी इंटरनल सिक्योरिटी ठीक रह पाएगी, नहीं तो हमारे दुश्मन तो वैसे ही हंसेंगे कि तो आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, हम इनसे इनका देश ही नहीं संभल रहा है, यहीं आग लग रही है, यही एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, हमको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसे में तो पाकिस्तान या तमाम जो जिनको हम दुश्मन मानते हैं, चाइना वगैरह, तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं ना, वो तो हंसेंगे फिर, वो तो अपने आप को वैसे ही ताकतवर महसूस करते हैं। हम भी तो हंसते थे अभी कि पाकिस्तान में इतनी गरीबी, देखो क्या दंगा मचा हुआ है, इनको ठीक से रहना भी नहीं आता, तो ऐसी हंसी हमारी भी तो उड़ेगी फिर। तो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत संवेदनशील भी, बहुत ध्यान से लिखना है इसको, टू द पॉइंट लिखना है, फैक्ट्स के साथ लिखना है, ठीक है। ये पूरा चीज़ समझ में आ गया। तो अब क्या क्या होता है इस नक्सलिज्म का, तो दो हिस्से हैं यहाँ, दो हिस्से हैं एक्सट्रीमिज्म के। एक एक्सट्रीमिज्म का हिस्सा है नक्सलवाद, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जनरली नक्सलवाद के बजाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यूज़ करिएगा। और दूसरा हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में एक्सट्रीमिज्म है। ये जो एक्सट्रीमिज्म का कारण है, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में तो अब इतना नहीं रहा, लेकिन आंध्र प्रदेश भी ठीक हो गया काफ़ी हद तक। इनमें जो कारण है उसमें मुख्य कारण है, एक तो माओइज्म यानी एक विचारधारा, आइडियोलॉजी, और दूसरा कारण है इनएक्वेलिटी, असमानता बहुत है, गरीबी बहुत है, पॉवर्टी। इसलिए ये अब केवल 90 डिस्ट्रिक्ट में बचा है, 90 जिलों में बचा है, 250 से ज़्यादा जिलों में था ये आज से 10 साल पहले, अब केवल 90 जिलों में बचा है नक्सलवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केवल 90 जिलों में बचा है अभी 2022 के हिसाब से। लेकिन ये 90 जिले कौन से हैं, तो 230 से 90 जिलों में आ गया, तो 230 में था ये, 230 भारत के सर्वाधिक गरीब और पिछड़े जिले हैं जहां पर लोगों को पीने का पानी भी नहीं है,
बहुत सारे जिले ऐसे हैं, अगर आप देखेंगे कि आप दांतेवाड़ा में चले जाएंगे तो 10% लोगों को ही टैप वाटर मिलता है, पीने का पानी नल से आता है, 90% नदी नाले और तालाब से और इधर उधर से पानी इकट्ठा करते हैं। पीने का पानी 90% लोगों के पास नहीं है, ये वहां पर है ऐसी चीजें, इसलिए विकास के साथ उसका सीधा संबंध है, ठीक है ना, सीधा संबंध है। तो ये 90 जिले वो हैं जो देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, सबसे पीछे हैं वो। अगर हम वहां ये सब सुविधाएं पहुंचा दें तो शायद भारत के दूसरे जिलों में जैसा हुआ है तो आंध्र प्रदेश मॉडल, ऐसा करने के लिए आंध्र प्रदेश का मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ विकास करके इन सब लोगों को अपने साथ जोड़ा और वहां से उन्होंने नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त किया, तो रेड कॉरिडोर से बाहर आ गया, उसको रेड कॉरिडोर कहा जाता, ठीक है ना। बहुत नेताओं का हत्या हुई है, बहुत पुलिस वालों की हत्या हुई है, ठीक है ना, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, खास करके सीआरपीएफ को ये काम दिया जाता है, सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा संगठन है सिक्योरिटी फोर्सेस जो ये काम करता है, उसका कोबरा बटालियन है जो इसी के लिए है, स्पेशली नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है, और उन्हीं के जवान शहीद भी होते हैं सबसे ज़्यादा, सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं जब भी कभी हमला होता है, माइंस के ब्लास्ट होते हैं तो हमको उनको हाईली इक्विप्ड करना पड़ेगा, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमें उनके लिए टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, एम्पावर करना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो और ज़्यादा और दूसरा फोर्स की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए, अभी ओवरबर्डन्ड है, अंडर स्टाफ है, एक तो स्टाफ की कमी है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी टाइम बहुत ज़्यादा है, उनको रिलैक्स देना पड़ेगा, ट्रेनिंग का टाइम देना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, अभी बर्डन बहुत है, वो टंगे रहते हैं उसमें, तो फिर उनको रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। ज़्यादा अच्छे बुलेट प्रूफ जैकेट, यूनिफॉर्म, उनकी गाड़ियाँ, है ना, तो अभी आप देखते हो कि जो डीप माइंस होते हैं उनको पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है हमारे, इसलिए वो माइंस ब्लास्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सारे इश्यूज बता दिए, जनता में भी काम करने की ज़रूरत है, मैंने बताया लिटरेसी पे काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, यूथ उधर नहीं जाएगा, कोई भी 10 से 5 की नौकरी मिलेगी तो क्यों नक्सली बनेगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कारण होता है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जितना जाएगा उसके बजाय PSU की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना करके आप अगर माइनिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, एक ही प्राइवेट कंपनी को आप माइनिंग देना चाहेंगे तो वो तो माइनिंग तो कर लेंगे वहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट अकेले का होगा, इस बात से आदिवासियों में नाराज़गी होगी, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग, फिनेंस को बंद करने के लिए सख्ती लानी पड़ेगी थोड़ा सा, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उनको पैसा कौन देता है, तो उनके पैसे का सोर्स भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, तो ये आपको पढ़ना है, मिल जाएंगे नोट्स, तो इतने अनाप शनाप नोट्स हैं इंटरनेट पे, लेकिन बस ये है कि एक समझ आनी चाहिए कि किस समय में क्या करना है। तो हम हर सप्ताह आपको एक एक सप्ताह का काम देते हैं कि इस सप्ताह में आपका टास्क क्या होगा, आप क्या क्या अरेंज करें, आप हमारे हिसाब से पढ़ते जाइए, एक दिन सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा और आप बन जाएंगे, करना कुछ नहीं है, समझा हम रहे हैं उसको, आपको पहचान करना बता रहे हैं, इसको पहचानना कैसे है, सिलेबस का कौन सा हिस्सा इम्पॉर्टेंट है ये हम बता रहे हैं, सोर्स तो अब PDF इतने ज़्यादा हैं, नोट्स इतने ज़्यादा मिलते हैं, वीडियो इतने बने हुए हैं, बट ये है कि आपका समय का सदुपयोग होता रहे और सिलेबस ख़त्म भी होता रहे, नहीं तो हम कहीं पहुँचते ही नहीं ना, कई बार एक ही चीज़ को बार बार देख रहे हैं या कई दिनों तक चल रहा है, ठीक है ना, तो फिर सिलेबस कैसे होगा। तो हमारे वीडियो का अगर आप सिक्वेंस यहाँ से पीछे की तरफ भी जाएंगे या वेट करते हुए हमारे साथ साथ भी चलेंगे, दोनों चीज़ कर सकते हैं, आपको जल्दी करना है तो पीछे की तरफ जाइए, तो एक साल पहले जाएंगे तो पहली बार मैं मेंस के सिलेबस को ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इससे पहले मैं ज़्यादा प्री मेंस का जो दोनों का जो सिलेबस कॉमन है बस वही ज़्यादा बात कर रहा था, इस बार मैं थोड़ा सा मेंस का जो सिलेबस हमेशा छूट जाता है उसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ,
तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नॉर्थ ईस्ट वाले में। नॉर्थ ईस्ट वाले की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कि एक स्टेट की अपनी प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आते हैं और एक सिक्किम, 7 सिस्टर्स हम बोलते हैं, और सिक्किम, ऐसा करके 8 राज्यों को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो आतंकवाद या नक्सलिज्म नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे घुसपैठ, इंसर्जेंसी, क्योंकि उसकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश सबसे बड़ी बॉर्डर है, क्योंकि वो चारों तरफ से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ने उसको एक तरह से घेरा हुआ है। वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, ऊपर नेपाल आ जाता है, इधर भूटान है, ठीक है ना, और ऊपर चाइना, इधर चाइना आ जाता है। तो ये सब मिलके नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अच्छे से देख लीजिए, पहले विकिपीडिया में जाइए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्च करिए, वहाँ आपको एक टेबल मिलेगी कि नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन 1991 के सेंसस के हिसाब से कितनी है, किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है। तो देखोगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आसाम में है। आसाम ही एक ऐसी जगह है, आसाम, जो वैली में है, घाटी में है, पहाड़ी इलाका कम है, मैदान ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, पूरा पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, वो आसाम है। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से एंटर करती है आसाम में, वहाँ से दिहांग देबांग के वहाँ से नीचे से बिल्कुल इधर नीचे आखिरी तक वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ, तो ये पूरा जो घाटी है, प्लेन है, मैदान है, तो घाटी और मैदान का हिस्सा है। और यहाँ 2 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एक पेट्रोलियम रिफाइनरीज वाला काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ काफ़ी लोग काम करते हैं, और दूसरा चाय के बागान है, टी गार्डन। तो ये 2 इतनी बड़ी इंडस्ट्री कि यहाँ पर एक लालच है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग आसाम आते हैं, और आसाम की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में। सबसे कम आपको अरुणाचल में ऊपर वहाँ पर घनत्व मिलेगा, केवल 17, 1 किलोमीटर में 17 लोग अरुणाचल प्रदेश ऊपर, 17 लोग केवल। तो अरुणाचल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम है। तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट को समझिए पहले, कि नॉर्थ ईस्ट का पॉपुलेशन कैसा है, नॉर्थ ईस्ट का डेंसिटी कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, लैंग्वेज कौन कौन सी है, ट्राइब्स कौन कौन सी है, पहले उसका परिचय प्राप्त कीजिए, क्योंकि हमें इंटरनल सिक्योरिटी में कोई भी चीज़ करने से पहले हमें वहाँ का पता हो, प्रॉब्लम से पहले उनका परिचय इकट्ठा करो, कब बना वो, हिस्ट्री उसकी पता होना चाहिए, अंग्रेज़ों ने उनके साथ क्या क्या किया, अंग्रेज़ों ने उनके साथ कैसे शासन किया था, राजा महाराजा कौन कौन से थे वहाँ पे, रॉयल फैमिलीज़ कौन थी, ये सब आप देखिए। फिर भारत में कैसे कैसे शामिल हुए, वो कब कब राज्य बने, भारत का हिस्सा कैसे बने वो, इसलिए आप देखोगे कि नागालैंड की अलग तरह की समस्या है, मिजोरम की अलग तरह की प्रॉब्लम है, अरुणाचल की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, मणिपुर की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, असम की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। और इन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी, घुसपैठ, खास करके बांग्लादेश से, बांग्लादेश और म्यांमार 2 जगह जहां से लोग घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेश से लंबे समय से लोग घुसपैठ करते हैं, क्योंकि एक तो बांग्लादेश में वॉर छिड़ी हुई थी 1971 में, गृह युद्ध था, सिविल वॉर था। देखिए इंसर्जेंट, ये जो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी जब कभी भी पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम सिविल वॉर इंडिया के रेफरेंस में कभी यूज़ नहीं करेंगे। सिविल वॉर इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वॉर हमेशा दुश्मन के साथ बॉर्डर पे दूसरे देश के साथ होता है, और ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वॉर नहीं बोलेंगे कभी भी कि सिविल वॉर चल रहा है मणिपुर में, ऐसा नहीं बोलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हम लोग, वॉर नहीं है। वॉर हमेशा 2 सोवरेन पावर में होता है, 2 संप्रभु शक्तियां जब आपस में लड़ती हैं उसको वॉर कहते हैं,
लेकिन हम अभी बांग्लादेश के मामले में हम सिविल वॉर बोल सकते हैं, बांग्लादेश वालों को नहीं बोलना चाहिए अपने यहाँ गृह युद्ध शब्द जो है वो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी वर्ड है। सिलेबस में क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट को जब आप समझ लोगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश के लोग अपने यहां जो समस्या थी उससे परेशान होकर के भारत आना चाहते थे, और नॉर्थ ईस्ट में खास करके आसाम में सबसे ज्यादा लोग आए, आसाम में सबसे ज्यादा लोग आए क्योंकि वहां काम मिल रहा था, रोजगार था, बाकी राज्यों में रोजगार नहीं था, और फिर पहाड़ी एरिया भी था, दुर्गम था, रहने के लिए कठिन था, तो मुश्किल हालात थे। ठीक है, तो जो मणिपुर में पंगा है वो मैतेई समुदाय यही बोलता है कि जो कुकी लोग हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं मिजोरम से, और वहाँ से लड़ने के लिए इनको बुलाया था, टेम्परेरी बुलाया था, ये यहीं बस गए, जाते नहीं हैं, और ये ट्राइब का दर्जा भी लेके बैठ गए, और अंग्रेजों ने इनको जो है ईसाई बना दिया था, क्रिश्चियन बना दिया था, तो ये पंगा। और मैतेई समुदाय अपने आप को हिंदू मानता है और है भी हिंदू, लेकिन उसमें सभी हैं, जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, लेकिन एसटी नहीं है। ठीक है, तो एसटी का दर्जा वो मांग रहे थे कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी पूरे मणिपुर में जमीनें खरीद सकें, क्योंकि कुकी तो कहीं पे भी आकर के जमीन खरीद लेते हैं, वो वैली में भी रह सकते हैं, हिल्स में भी रह सकते हैं, हम 90% हिस्सा ऐसा है मणिपुर का जहाँ हम जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि जनसंख्या में हम 50% हैं। तो ये उनकी मांग थी। तो ये पढ़ेंगे मुद्दा तो आपको मणिपुर वाला समझ में आ जाएगा। ऐसे एक एक राज्य का मुद्दा है। नगा समझौता मोदी ने भी किया है जाकर के, नगा समझौता है ना, अभी अभी जो 2000 नागालैंड से, और नागालैंड की मांग बड़ी खतरनाक है, अभी भी समझौता उस तरह का हुआ नहीं, क्योंकि वो अलग झंडा भी मांग रहे हैं, एक तरह से अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, नागालैंड का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग झंडा होगा, तो अलग देश देने जैसा ही है। अभी टेम्परेरी हम लोगों ने उनको शांत रखने के लिए ऐसे जैसे तैसे समझौता किया, लेकिन पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, अनसेटल सिचुएशन है अभी नागालैंड की। मणिपुर की सिचुएशन आपको समझ में आई गई है, ठीक है ना। मिजोरम की प्रॉब्लम ये है कि मिजोरम में 90% इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं, तो मिजो लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वहाँ इंग्लिश बहुत है, यानी क्रिश्चियनिटी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी, बट ये है कि हिंदुत्व के हिसाब से तो बात करें तो सरकार के लिए तो दिक्कत ही है, इसलिए मिजोरम बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ठीक है ना, अरुणाचल में भी वही क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि जो हमारा जो खास करके राइट विंग गवर्नमेंट है तो वो तो थोड़ा सा रिलीजियस तरीके से सोचते हैं ना, तो वो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में अगर सरकारें बनती है बीजेपी की तो धीरे धीरे हिंदुत्व को भी बढ़ावा मिलेगा, और वो उस टाइप का एक सोच है, इस वजह से वो स्ट्रगल दूसरे टाइप का, और कई बार हम नेग्लेक्ट भी करते हैं उस वायलेंस को और उसको जो अभी हुआ फिलहाल में। ठीक है ना, तो बट ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय फिर ताक लगा के बैठा हुआ है, बोलेंगे आपसे नहीं संभलता तो हम आए क्या, तो वो भी गलत होगा। यही बात तो पाकिस्तान के बारे में होती है, तब हमको खुशी होती है, और ऐसा जब हमारे बारे में अमेरिका बोलेगा या कोई बोलेगा, तो खास करके जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला, इसको बोलेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट जब आगे रह करके स्यू मोटो इस प्रकार से अगर किसी चीज़ पे बोलता है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये जो न्यायिक सक्रियता वाली चीज़ हुई ना, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही नहीं भारत के ही अगेंस्ट है, हमारे देश के खिलाफ है, क्योंकि इससे बाहर मैसेज गलत जाता है, बाहर मैसेज गलत जाता है। नहीं, किसी घर में मान लिया जाए कोई दादाजी या पिताजी जोर से चिल्ला रहे हैं, तुम तमीज से रहा करो, तुम में अकल नहीं, अपनी बीवी को समझाओ, उसको डांट रहे हैं, इसका मतलब पड़ोसियों को पता चलता है ना कि मामला कुछ गड़बड़ है, गर्म है, तो कोई भी पूछने आ सकता है, क्या हुआ बहू जी, बताइए बताइए क्या दिक्कत है आपको, बहू ने खाना दिया कि नहीं दिया, यहाँ तक पर ये सब, इसका मतलब इंटरफेयर तो हो ही गया ना, तो ऐसे ही तो इंटरफेयर होता है, धीरे धीरे वो सेना भेज देते हैं, तो उनका यही तो होता है, कभी भी कोई भी होता है, तो ये सोवरेन पावर के बीच में ये नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने घर को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। सबसे पहले तो दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं
और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सबको एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ाया जाना चाहिए, इंडियन सोसाइटी का पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए उनको। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लॉन्च ही इसलिए किया गया था, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी इसलिए किया गया। ट्राइब्स को समझना बहुत ज़रूरी है इस देश में, है ना। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ज़्यादा कुछ समझने जैसा कुछ नहीं होता है, उनका कोई तरीका नहीं होता, कुछ भी फिक्स तरीका नहीं, उनका तो कुछ भी हो जाता है। ट्राइब्स का अपना एक तरीका होता है, कल्चर होता है, ठीक है ना। उनको समझना, हमारे देश के रिलीजन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग रिलीजन्स को समझते ही नहीं है अभी। सभी धर्मों को समझने की ज़रूरत है, उनकी स्टडी करने की ज़रूरत है। खास करके ब्यूरोक्रेट्स को सब पता होना चाहिए सभी धर्मों के बारे में, तभी तो सेंसिटिव आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे, कौन सा सेंसिटिव प्लेस है, कौन सी सेंसिटिव घटना है, तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टडी, रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो आज प्रॉब्लम समझ में आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के एक एक स्टेट के बारे में कम से कम एक एक आधे पेज का नोट्स बनाइए। असम का एक पेज का बनेगा, नागालैंड का एक पेज का बनेगा, बाकी सबका आधे आधे पेज का, मणिपुर का भी एक पेज का बनेगा क्योंकि घटना हो गई, ठीक है ना। तो मणिपुर भी एक पेज में जाएगा, तो ऐसा नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा झंझट, एक तो उसको राज्य का दर्जा कब दिया, यूनियन टेरिटरी कब बना, और अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने कौन सा उसके साथ में समझौता किया हुआ है, प्रेजेंट स्टेटस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, प्रेजेंट स्टेटस उस राज्य का, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, और वर्तमान में कोई घटना हुई हो ताज़ा तो उसका आपको वहाँ पे जिक्र करना। ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हो गया। जरा सिक्योरिटी फोर्सेस को समझ लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा, अगर आप ITBP इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ITBP आपको मिलेगा पूरा कराकोरम से लेके कश्मीर के वहां कराकोरम से लेकर के और इधर जेलेपला, अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला द्वास तक पूरा जो रेंज है, जो चाइना से बॉर्डर टच कर रहा है, उसको बोलेंगे इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, ITBP, या तिब्बत बोल दीजिए, तिब्बत। तो वो इंडो चाइना बॉर्डर को पूरा ITBP, उसको बोलेंगे ITBP, ठीक है। दूसरा है सीमा सुरक्षा बल SSB, SSB किसके लिए होगा? SSB नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान SSB। और म्यांमार के वहां पर, और इधर जब हम बात करते हैं तो असम राइफल्स, यस असम राइफल्स पैरामिलिट्री है, यानी उसको वो नहीं कहते हम लोग, सुरक्षा बल नहीं कहते, सिक्योरिटी फोर्स नहीं मानते उसको। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में BSF। अब चारों के बारे में नोट्स बनाइए, आधे आधे पेज में चारों के बारे में लिखिए, चारों की स्थापना कैसे हुई, वर्तमान महानिदेशक कौन है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी, है ना, इनकी ताकत क्या है, इनके ट्रेनिंग सेंटर, चैलेंजेस क्या क्या हैं इनको, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, ठीक है। ये सब ये नोट्स बनेगा इनका, तब जा कर के आपका ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसमें ये सब आएंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और CRPF उसी का पार्ट है, CISF। तो सुरक्षा बलों के ऊपर बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग पुलिस फोर्सेस, ऐसा करके पूरा एक नोट्स बनाइएगा।
जो मेरा लेक्चर देखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, उसमें मैंने बनवा रखा है, कुछ चीज़ें लिखवाई भी है, ठीक है ना। हाँ, वो हम लोग देखेंगे। तीन प्रकार की चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाली भी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, ठीक है, और एनफोर्समेंट एजेंसी होती है। तो तीन प्रकार की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, तो वो भी लिख लीजिए। तीन प्रकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करने वाली, इंटेलिजेंस फर्स्ट लिखिएगा, पहला इंटेलिजेंस रॉ होती है, और ये तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी है। आसूचना, ये सूचना इकट्ठी करती हैं, इनको जागरूक करती हैं, इनको देती हैं, अधिकारियों को एम्पावर करती हैं। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन, आज का होमवर्क है ये, तो आज कर लीजिएगा इसको, कल मैं नया दूंगा और कल इसको वाइंड अप भी करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी वाले को, थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए, ठीक है। और लास्ट एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक CBI और वो सब, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज हैं, ये तो आप अलग से लिख लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस सर्च कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन सर्च कर लीजिए, और इन्फोर्समेंट है ना, इन्वेस्टिगेशन में CBI जैसे इन्वेस्टिगेट करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सारा नेक्सस कहाँ से आ रहा है। तो कल हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, इनकी फंडिंग कैसे होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, पैसा कहाँ से लाते हैं, ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स किस तरह से खतरा पैदा करती हैं, सोशल मीडिया किस तरह से खतरा पैदा करता है, मीडिया का रोल क्या होता है ऐसे समय में, होना भी चाहिए क्या, होना चाहिए वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बात करेंगे, कल करते हैं फिर। शांति पाठ, ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे, जन्म जहाँ पर अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा, मानव मात्र नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।